हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन नंबर 41/2020 को डिस्कस करेंगे, जिसके द्वारा CBIC सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स के द्वारा GST एनुअल रिटर्न यानी कि GSTR 9 और GSTR 9C GST ऑडिट की भी ड्यू डेट को यहाँ पे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 3 महीने के लिए, यानी कि 30 सितंबर 2020। सो बेसिकली जो नोटिफिकेशन है 41/2020, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया जाएगा। सो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया गया है, वहाँ पे जो कमिश्नर है उसने सेक्शन 44 के अंदर यहाँ पे पावर को एक्सरसाइज करते हुए इस GST एनुअल रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 को यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि जो CGST अमेंडमेंट एक्ट 2018 था उसके द्वारा यहाँ पर कमिश्नर को पावर दी गई थी। सो CGST अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले जो था यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टी यानी कि RoD पास करना पड़ता था GST एनुअल रिटर्न को एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद यहाँ पे कमिश्नर सिंपली सेक्शन 44 के अंदर यहाँ पे एक नॉर्मल नोटिफिकेशन रिलीज करके एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट को बढ़ा सकता है। सो कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हेयर बाय एक्सटेंड्स द टाइम लिमिट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न यानी कि GSTR 9 स्पेसिफाइड अंडर द सेक्शन 44 ऑफ द सैड एक्ट यानी कि CGST एक्ट, रीड विद रूल 80 ऑफ CGST रूल इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द कॉमन पोर्टल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 टिल 30 सितंबर 2020 यानी कि 2018-19 की एनुअल रिटर्न और GSTR 9 और 9C आप दोनों 30 सितंबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं। So thanks for watching. It is a big relief amid the COVID-19 crisis in India. Thanks for watching.